हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इफी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वंस अगेन हम लोग आबरा पे आए हैं। आबरा पे शाम के नज़ारे देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, यहाँ तक के परिंदे जैसे उड़ रहे हैं और पानी में जो मछलियाँ, यहाँ तक के पानी का जो ब्लू शेड है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मैंने कुछ खास क्लिप्स लिए हैं आप लोगों के लिए और यहाँ तक के कुछ चीज़ों को मैंने जूम भी किया है, तो आप इसको गौर से देखिएगा और आपको दिलकश और खूबसूरत मंजर नज़र आएगा। तो आप इस वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ और चीज़ें शेयर करने को हूँ। और यहाँ तक के जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ तक के जो रिफर्बिश बिल्डिंग है वो भी आपको नज़र आती हैं और आप उसको इंजॉय करेंगे। और उसके बाद में आपको मैं एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, आप इस वीडियो का वेट कीजिएगा। जी दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं जहाँ पे ये पुराने घर हैं, जहाँ पे पुरानी लाइट्स लगी हैं, यहाँ तक कि आप ये वॉल देख सकते हैं जहाँ पे पुराने किस्म का मटेरियल लगा है, उसको रीफर्निश किया गया है। और यहाँ तक कि जो पानी गुजरता है वो भी आपको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये जो पतली पतली सी गलियाँ हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप यूरोप में देख सकते हैं, जहाँ पे वहाँ पे पत्थर या पुरानी टाइल्स या पुरानी ईंटों वहाँ पे लगाई जाती हैं, और उसके बाद में ये जो पतली पतली सी गलियाँ बनाई हैं ये शो करती हैं कि ये एरिया कितना पुराना था। और ये जगह जो सी ये बहुत ही सुनहरी है, साफ़ सुथरी है, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ तक कि ये एक दिलकश मंजर है जो बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो मिट्टी है और उसके साथ में इसका दरख्त लगा हुआ है, और उस दरख्त को कितना उन्होंने सिक्योर किया हुआ है ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और उसके बाद में पुराने घर आपको नज़र आ रहे हैं और ये पुराने डोर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारा मंजर जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही दिलकश और बहुत ही सुनहरा है। तो आप लोगों को ये इन्जॉय करने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर विज़िट करते हो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और गेट टुगेदर करते हो। तो आप सो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों ने वीडियो देखी और यहाँ पे जो क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे और उसके बाद जो पुरानी बिल्डिंग्स, यहाँ तक के पानी की जो क्लैरिटी है और पानी में मौजूद मछलियाँ जो साफ़ नज़र आ रही हैं, और उसके बाद में जो परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, यहाँ तक के आपको मैंने जूम करके वो सारा कुछ दिखाया। तो ये वीडियो के जो नज़ारे हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ तक के जो आप दरख्त पीछे देख रहे हैं और उसके बाद में सफाई पीछे देख रहे हैं और बिल्डिंग जो पुरानी है पीछे वो आपने देखी है कि ये कैसे कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत देखने को कम मिलती हैं। और यहाँ तक ये जो क्लैरिटी है ये ज़िंदगी में बहुत ही अहम तसव्वुर होती है जब हमें ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।